तो हेलो गाइज़, वेलकम टू एचडी फोटोग्राफी। तो आज मैं आपको इस वाले वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि हेयर कलर एडिटिंग को कैसे करें अपने मोबाइल के अंदर। ऑटो टेक्स्ट की मदद से हम हेयर को कुछ इस टाइप के एडिट करके दिखाएंगे। काफ़ी सही लगता है और एकदम रियलिस्टिक लगता है हेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले ऑटो टेक्स्ट एप्लीकेशन ओपन करेंगे। उसके बाद आप ब्रश वाले ऑप्शन में जाके डिज़ाइनर वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रश का, पेंसिल का, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसका साइज़ लगभग 4.7 के आसपास रख के उसका फ्लो थोड़ा ओपेसिटी थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे। और उसके बाद उसका कलर में जाके कॉपी कलर में थोड़ा ब्राउनिश कलर रख लेंगे, ताकि बालों के लिए बहुत ही अच्छा कलर लगता है उनको। अगर आपको और भी कोई कलर लगाना चाहते हैं तो वहाँ लगा सकते हैं, जैसे वाइट और येलो कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे। तो उसे सेलेक्ट करने के बाद बालों पे रफली चलाएं, जिस हिसाब से बाल आपका उठा हुआ है या जिस टाइप का है बाल आपका, उस टाइप से इसको रफली चलाएं। जैसे देख सकते हैं ऐसे चला सकते हैं और कुछ इस टाइप का। मैं बताता हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी, आप देख सकते हैं। फाइनली आप देख सकते हैं कि मैं हेयर पे चला रहा हूँ, कुछ इस टाइप का आपका हुआ है रफली चलाने के बाद। फिर आप आर्टिस्ट वाले ब्रश में जाके आप ब्रश को सेलेक्ट कर ले, देख लीजिए सेटिंग, और इसका एडजस्ट करके आप अपने बालों पे धीरे धीरे अच्छे अच्छे तरीके से चला के आप इसको ऊपर की तरफ उठाएं, काफ़ी हेयर पे अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं इसका फ्लो थोड़ा बढ़ा के बालों पे चलाएंगे तो रियलिस्टिक लगेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा बालों पे, और लगेगा ही नहीं कि नकली है या असली है। तो काफ़ी अमेजिंग टूल है ऑटो टेक्स्ट के अंदर। तो ऑटो टेक्स्ट का आप यूज़ ज़रूर करें अगर आपको हेयर का एडिट करना है या कुछ भी करना है। तो वीडियो को मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। गाइज़ आप फाइनली देख सकते हैं बालों को मैं कुछ इस टाइप का एडिटिंग करने कर दिया हूँ, और लग भी नहीं रहा है कि नकली है, तो काफ़ी सही लग रहा है और बालों पे ओरिजिनल कलर जैसा लग रहा है। तो कोई भी आपको जो भी कलर पसंद है उसको आप इस पर ऐड करके आप एडिटिंग इस टाइप की अमेजिंग एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए।